हजरत आतागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 978वां उर्स, 3 रोजा तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी, दरबार पर चादरें चढ़ाई जा रही हैं, फातिहख्वानी दरूदो सलाम के नजराने पेश, उलमाए कराम की अलग अलग नशस्तें, सुब अलामा मोहम्मद अब्दुल सत्तार, मुफ्ती सलमान रिजवी, मौलाना हामिद सरफराज, मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती का खिताब, दोपहर में हाफिज मियाँ मोहम्मद अबू बकर, कारी फैज अहमद नक्शबंदी, अलामा कौकब नूरानी शरीक हुए। शाम में महफिल समा का इफ्तिताह, सूबाई वजीर सैयद सईदुल हसन शाह, मियाँ असलम इकबाल, डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी आए, मारूफ कवाल आसिफ संतो ने समा बांध दिया। दाता अली हजवेरी पर रिवायती सबील का एहतमाम, जायरीन में रोजाना 2 लाख लीटर के करीब दूध की तकसीम, दरबार पर हाजिरी के लिए आने वालों की हलीम और देसी घी के हलवों से तवाजो, तरह तरह की मिठाई सजी है। दुनिया भर में मशहूर लाहौर की रिवायती डिश कतलम्मा के स्टॉल्स पर रश, मैदे की बड़ी टिकी पर बेसन में गूंदा लाल रंग, दाल माश सूखा धनिया और अनार दाना का तड़का, दीवानों की तो मौज हो गयी। अंदर से भी दाता की नगरी की खास सौगात है। डेंगू के कितने मरीज किस अस्पताल में जेरे इलाज, PITB दरुस डेटा मुरतब करने में नाकाम, डेंगू डैशबोर्ड से जनरल फिशरीज, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का डेटा गायब। डेंगू के यूनियन काउंसिल के हिसाब से हॉटस्पॉट्स भी मुयसर नहीं, डेंगू के मुश्तबा और मुमकिन केसेस की सर्वेलेंस का फुकदान। डॉलर की ऊंची परवाज जारी, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 52 पैसे मजीद इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 169.60 रुपए पर बंद हुई, ओपन मार्केट में डॉलर 173 रुपए से तजावुज कर गया। उधर सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम ना सका, सोने की फी तोला कीमत में 400 रुपए तक का इजाफा, 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 1,13,800 रुपए हो गयी, 22 कैरात सोने की कीमत 1,04,342 रुपए फी तोला हो गयी। शहर में कोरोना के वार थम ना सके, मजीद 353 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक, मस्बत केसेस की शरह 9.7% रिकॉर्ड, 24 घंटों के दौरान 2 अफराद मर्ज से लड़ते लड़ते चल बसे। पाकिस्तान में इटली के सफीर एंड्रियास का लेक सिटी का दौरा, पैट्रन इन चीफ एफ्टमा गौहर एजाज और सीनियर रहनुमा एफ्टमा हामिद जमान से मुलाकात, पाकिस्तानी टेक्सटाइल की मसनूआत पर बातचीत, गौहर एजाज बोले पाकिस्तानी फैब्रिक्स की मसनूआत दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं, पाकिस्तान टेक्सटाइल मसनूआत को इटली की मार्केट तक पहुंचाना चाहता है। इटली के सफीर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग भी गए, आर्ट की तारीफ की, किताब में अपने ख्यालात भी कलमबंद किए, सफीर को शील्ड और तहाइफ पेश किए गए। पंजाब में गैर मुल्की बैंकों से मिलने वाले फंड्स लैप्स होने लगे, सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल 5 अरब के फंड जाया किए, महकमा खजाना ने गैर मुल्की फंड्स की दोबारा इस्तेमाल पर इजाजत मांग ली, महकमा खजाना के मुताबिक स्टैंडिंग काबीना कमेटी ने इब्तदाई तौर पर मंजूरी दे दी। आइंदा 3 साल में लाहौर स्मार्ट सिटी होगा, सेंट्रल एरियाज में जाने के लिए फीस लगेगी, सेंट्रल शहर में दाखिले के लिए औकात कार मुकर्रर होंगे, सरकारी सतह पर शहरियों के लिए पोर्टल बनाकर हर सहूलत दी जाएगी, ऑनलाइन पार्किंग, सरकारी डॉक्टर की बुकिंग, फर्स्ट एड ऐप की सहूलत मिलेगी। महकमा बल्दियात और PITB बोर्ड लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाएगा, टाइम फ्रेम और प्लानिंग कमीशन तैयार। एक्साइज की शहरियों के लिए बड़ी सहूलत, शहरी घर बैठे गाड़ी और मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवा सकेंगे, शहरी कोरियर कंपनी के नुमाइंदे को फाइल जमा करवाएंगे, नुमाइंदा कागजात वापस मालिक तक पहुंचाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम के आगाज के बाद सिस्टम शुरू होगा। निकाह ख्वाह को तालीम और रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद करने का फैसला, तमाम निकाह ख्वाह को 16 साल तालीम जरूरी होगी, महकमा बल्दियात में रजिस्ट्रेशन कराना होगी और महकमा निकाह ख्वाह को विफाक मदारिस की डिग्री की बुनियाद पर लाइसेंस जारी करेगा। प्राइमरी के बाद मिडिल जमातों के लिए यकसा निसाब की तैयारी, सूबों को मॉडल कुतुब पर
छठी ता आठवीं जमात की किताबें तैयार करना होंगी। नवंबर तक मिडिल जमातों के लिए यकसा निसाब फाइनल करना होगा। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड यकसा निसाब पर नई कुतुब तैयार करेगा। ऑनलाइन कारोबार करना भी मुश्किल हो गया। ऑनलाइन कारोबार पर 2% इजाफी टैक्स आए। कंपनियों को गैर रजिस्टर्ड फराद से माल की खरीदारी पर इजाफी टैक्स लेने की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड अफराद जिस कंपनी के जरिए कारोबार करेंगे वो 2% टैक्स काटेगी। 3 पेट्रोल पंप साइट्स की नीलामी में मुसलसल नाकामी। एलडीए मुतलिका साइट्स ज्वाइंट वेंचर के तहत 18 साल लीज पर देगा। गवर्निंग बॉडी इजलास में मंजूरी दे दी गई। साइट्स नामवर पेट्रोल पंप कंपनियों के तवसुत से लीज पर दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत की गिराफरोशी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। असिस्टेंट कमिश्नर धड़ाधड़ जुर्माने करने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर जेशान नसरुल्ला रांझा और इब्राहिम अरबाब ने मुख्तलिफ स्टोर्स को 50,000 जुर्माना किया। सैयदा तहनियत बुखारी ने गिराफरोशी और मजाहमत पर मैनेजर को गिरफ्तार और सुपर मार्ट सील कर दिया। पाकिस्तान रेलवे बगैर टिकट मुसाफिरों के खिलाफ मुतहरिक। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस रेलवे लाहौर के मुतद्दद ट्रेनों पर छापे। तेजगाम, खैबर मेल, बिजनेस एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस पर अचानक छापे मारे गए। 135 बगैर टिकट मुसाफिरों से किराया और जुर्माने की मद में 1,27,560 रुपए वसूल किए गए। वॉल्टन एयरपोर्ट पर कसीरुल मंजिला इमारतें बनाने का मंसूबा। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2021। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। जस्टिस शाहिद करीम ने केस मजीद समाप्त के लिए जस्टिस अली बाकी नजवी की अदालत भिजवा दिया। कोरोना की तीसरी लहर में लाहौर वेयर्स मास्क मुहिम शुरू की। मकसद कोरोना के इन्फेक्शन को कम करना था। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का मास्क की अहमियत के हवाले से ट्वीट। न्यूयॉर्क टाइम्स का मास्क पर रिसर्च आर्टिकल का इक्तबास शेयर किया।